हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अदर व्लॉग। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से इस सफर के अंदर। तो आपको पता है कि मैं ट्रैक्टर से पूरा इंडिया घूम रहा हूँ। तो अभी देखो, ये अपना गब्बर है जो जिसके साथ मैं पूरा इंडिया घूम रहा हूँ। क्या खूबसूरत लग रहा है। और सुबह अभी इसकी सफाई करनी भी जरूरी है। इसके ऊपर रात को थोड़ी सी मतलब फोग आई थी, उसके कारण ये देखो ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे जम गया है। ये जो घर है हम इसी के अंदर रहते हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ कि सुबह हुई है। तो हम सुबह सुबह पहले तो चाय पीते थे, अब चाय नहीं पीते हैं, यहाँ पे नारियल पानी पीते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली नारियल मिल जाते हैं। ये देखो नारियल के ढेर सारे पेड़ हैं, तो हमें नारियल तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं, बाकी नीचे गिरते रहते हैं। तो यहाँ पे पीते हैं हम सुबह सुबह नारियल पानी। ये देखो ये नारियल, जो नारियल होते हैं उनके अंदर भी मतलब पानी होता है, और जैसे ये पक चुका है तो इसके अंदर भी अभी पानी है। दोस्तों, नारियल तोड़ने के लिए यहाँ पे ये जुगाड़ बना हुआ है। इसके ऊपर यहाँ से ऐसे डालेंगे ना, ऐसे 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 डालने के बाद इसको ऐसे, तो ये निकल जाएगा यहाँ। तो दोस्तों, केरला के अंदर जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है वो है कि इसका सर्विस सेंटर नहीं मिल रहा है मुझे केरला के अंदर अभी तक। मुझे जैसे कि हम कैलिकेट सिटी के अंदर है, तो यहाँ पे मैंने ट्रैक्टर देखी नहीं है इतने। तो यहाँ पे मतलब सर्विस स्टेशन भी नहीं खोला इन्होंने, ताकि कोई आए तो सर्विस भी ना करा सके। तो अभी देखते हैं कि कहाँ से सर्विस मिलेगी, या फिर मुझे खुद को ही करनी पड़ेगी। इससे अलावा अपने पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ऑयल तो मिल जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऑयल फिल्टर वगैरह हैं वो भी चेंज कर दिए जाएँ। तो ऑयल फिल्टर चेंज होगा तो ये मतलब कुछ एवरेज या माइलेज के अंदर भी फ़र्क पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऑयल फिल्टर या फिर हमें ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो अभी इसका है ना जो ऑयल है वो बहुत, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है। फिलहाल देखते हैं, अगर आज हमें कोई सर्विस स्टेशन मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो हम खुद ऑयल लेके आएंगे, और इसका ऑयल वगैरह तो चेंज कर सकते हैं हम, तो वो हम खुद चेंज कर लेंगे। तो अभी करते हैं इसकी साफ सफाई। और ये देखो यहाँ पे है ना नो वॉर लिखा हुआ था, वॉर का ये W निकल गया है, तो यहाँ पे खाली यू रह गया है, यूर बन गया है। पीछे से लग तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन ये W आज हम देख रहे हैं कि ये भी नया निकलवा के और यहाँ पे लगा दें। तो ये देखो दोस्तों, पूरा जंगली अपना भाई अभी नारियल लेके आ गया है। ये कच्चा नारियल लेके आया है, और अब से हमने है ना ये एक्सरसाइज कर रहा था, तो हमने अब से प्लान स्टार्ट किया है कि हम जितना दिन टूर करेंगे उतने दिन के अंदर अंदर हम 6 पैक भी बनाएंगे। और ये देखो नारियल कच्चा नहीं है ना, पूरा कच्चा नहीं है, थोड़ा सा पक चुका है, तो उस वजह से थोड़ा सा मुश्किल से छीला जा रहा है। तो दोस्तों अभी 11 बज चुके हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जिन भाइयों के भरोसे हम घूमने आए थे वो अभी तक सो रहे हैं। ये देखो 10:40 हो चुके हैं, और सो भी कैसे रहे हैं ऐसे, ना कोई फैन ना कोई और कुछ भी नहीं है, फैन फोन बिना फैन के मतलब ऐसे सो रहे हैं, क्योंकि ये रात को मतलब रात को काम पे जाते हैं ना वो, जहाँ अपने को जाना है वहाँ। हाँ, सुबह हमें जहाँ पे जाना है वहाँ काम पे ये जाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये काम पे जाते हैं। और अभी भैया वो उठ जाते हैं, तो उठने के बाद मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ऊपर भी सो रहा है, ऊपर जाता हूँ मैं अब। एक ये घर के अंदर गलियां देखो कैसे बनाई हुई है, ये बाहर आ गया, ये गली आ गई, ये इसके अंदर रूम आ गया, और ऊपर जा रहा हूँ अभी। तो ऊपर वो भाई एक सो रहा है, बिना पंखे के सो रहे हैं भाई, दोनों के दोनों भाई बिना पंखे के। ये देखो ओ तेरी लकी सो रहा। तो बिना पंखे के एकदम आराम से सो रहे हैं, नो टेंशन। ये 3 रूम ऊपर बने हुए हैं, बाकी ये आपको दिखा दिया मैंने, और अभी चलते हैं वापस नीचे। तो दोस्तों ये नॉनवेज खाते हैं फिर भी पता नहीं इनको गर्मी क्यों नहीं लगती है, और बिना फैन के पूरी रात मतलब जैसे काम से आए आके सोते हैं तो बिना पंखे के सोते हैं। और ये अपना गब्बर साफ सफाई कर दी, और अभी बाइक लेके जा रहे थे तो सोचा कि दूध वगैरह ले आते हैं और सब्जी वगैरह ले आते हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, ये भैया की बाइक है। तो दोस्तों मैं अभी आया हूँ सब्जी लेने के लिए। ये देखो यहाँ पे किस तरह की सब्जियाँ हैं, और मिर्च देखो किस तरह की मिर्च, ये इधर भी मिर्च, बैंगनी, और एक नींबू डाल ही लेते हैं। तो दोस्तों ये बन रहे हैं पोहे, और इधर ये आलू की सब्जी बन गई है, और दीदी ये बनाना शेक बन चुका है, और नारियल पानी डालना इसमें भूल गया। तो ये अपने भाई उठ चुके हैं, और ये अभी हमें बताएंगे कि वो मछलियां वगैरह कैसे लेके आते हैं। तो सबसे पहले भैया का नाम सादिक, सादिक, तो ये सादिक भैया है, तो ये हमें बताएंगे कल मछली लेने के लिए जाएंगे मेरे साथ,
साथ नहीं जाएंगे लेकिन मेरे को छोड़ के जरूर आएंगे। तो हिंदी में भैया को थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये थोड़ी बहुत देर हिंदी के अंदर सोच के, मतलब मैं ये थोड़ा बहुत मैं कुछ इनको समझाऊंगा बाकी ये मुझे बता देंगे, तो वो हिंदी में नहीं बता पाते। तो बाकी कल जब हम जाएंगे तब आपको हम दिखाएंगे कि पूरा का पूरा कंप्लीट दिखाएंगे कि कैसे समुन्द्र में से मछलियां निकाल के लेके आते हैं और कितना स्टॉक लेके आते हैं और कैसे जाते हैं। मतलब ये जाते हैं रात को 3 बजे जाते हैं करीब, तो टाइम वगैरह सब मैं रात को निकलूंगा, 2 बजे यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि 20 किलोमीटर है यहाँ से समुंदर, तो जहाँ से बीच से वो शिप चलती है। तो दोस्तों मैं बना रहा हूँ अभी पीनट मसाला, क्योंकि हमारे दोस्त हैं वो अभी चले गए हैं तो वो आएंगे शाम तक, तो मैंने सोचा इतनी देर पीनट मसाला बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा पीनट मसाला बनके तैयार हो चुका है, आपने देखा कि कैसे फटाफट सा काम कर दिया और 2 मिनट के अंदर पीनट मसाला बनके रेडी एकदम मस्त। गिवर लीव कसम खाओ फ्राइडे लीव है जस्टी मोहब्बत हमसे कसम खाओ ओ है जस्टी मोहब्बत उससे करो ना वो नारियल तोड़ के देगा वो भाई वो नहीं तोड़ आपका तो नहीं है। तो दोस्तों सबको यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है नारियल तोड़ने के अंदर, तो अभी अपना और फुलमैन भाई है हिम्मत करेगा और चढ़ जाएगा लंगूर बन के 10 फुट तक चढ़ गया मैं पक्की बात चैलेंज एक्सेप्ट आ जाओ तो दोस्तों अभी जा रहे हैं नारियल तोड़ने के लिए और एक ये पेड़ दिखा है जिसपे सबसे ज्यादा लगे हुए हैं तो उसी पे जाते हैं। ये देखो काफी सारे लगे हुए हैं इस पे, तो कोशिश करेंगे इस पे चढ़ जाएं। भाइयों ये पंगे से बड़ा पंगा ले रहे हैं, ये नहीं होगा भाई, होगा 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 गिट्टी 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 क्या हुआ एनर्जी लग गई सारी। वो अपना दोस्त जा रहा है ऊपर, फ्रेंड यू आर कमिंग, वो जाएगी ऊपर जाएगी, लेट्स गो, नहीं जाएगी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं भैया के साथ, यहाँ पे एक नहाने के लिए पूल बना हुआ है, पता नहीं नदी है उस पे जा रहे हैं, तो भैया आ रहे हैं ये आगे और अभी निकल रहे हैं स्कूटी के ऊपर और फुल मैन भाई अपना पहले ही निकल चुका है। तो दोस्तों ये आ चुका है जिसमें भाई लोग नहाएंगे, ये देखो यहाँ पे अभी पहले से 2 भाई नहा रहे हैं और वो अपने वाले कपड़े निकाल रहे हैं। दोस्तों अभी और फुल मैन भाई अपना बना रहा है ब्रेड पकौड़े, तो यहाँ पे ये आटा गूंद के रेडी है और ये इधर ब्रेड भी रेडी है और ये आ गया कोकोनट ऑयल, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा ऑयल मिलता है, कोकोनट ऑयल है तो ये अच्छा होता है, तो हम इसी में बनाएंगे। दोस्तों हम गोतक करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब रोज का एक एक खाते हैं, कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, अपनी जिंदगी में घूम रहे हैं तो कुछ अलग करने के लिए घूम रहे हैं। तो ये देखो अभी ये अपने ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं, पहली बार बना रहे होंगे तो भी पता नहीं है, दूसरी बार बना रहे हैं तो भी देखो मिली। तो गाइज आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग को ढेर सारा प्यार देना और आगे से आगे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और एक आधा कमेंट भी।